बड़ा मारूफ नाम है बहलोल का, मजाजीब में सारा मजजूब वो होता है कि तजल्लियात के वफूद से जिसका चरागे अकल टूट जाए, बुझ जाए, जिसका शीशे अकल टूट जाए, उसको मजजूब कहते हैं। लेकिन अल्लाह की कुर्बत के साय में वो रहता है। इकबाल ने भी कहा कि न पूछ इन खिरका पोशों की, अरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों। रुब्बा अश आसा अगबारा मदफू बिल अबवाब लो अक्सम अल्लाहे ला अबर्रा। बहुत सारे लोग कि उनके बाल बिखरे हुए, हालत परागंदा, तुम्हारे दरवाजे पे हैं, तुम धक्का दे दो, बाबा परे चला जा, लेकिन फरमाया कभी उन्हें छेड़ना बैठना, अल्लाह के नाम पे कसम डाल दें तो अल्लाह पूरी कर देता है। ऐसे लोग भी, ये बुखारी की रिवायत है जो मैं आपके सामने पेश की है। रुब्बा अश आसा अगबारा मदफू बिल अबवाब लो अक्सम अल्लाह, अगर अल्लाह पे कोई कसम डाल दें, ला अबर्रा, अल्लाह फिर पूरी करता है, उनकी लाज रखता है, क्योंकि बंदे जो उसके होते हैं। बगदाद का बाजार था और एक हलवाई जो है वो सुबह सुबह अपनी दुकान से जा रहा था कि एक फकीर आ निकला, लकड़ी के खड़ाओं उसने पहने हुए थे, तो कहा बाबा जी आओ जरा बैठो, तो उसने गर्म गर्म दूध निकाल करके बाबा जी को पेश किया। सुबह का मौका था, उसने पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसको भी कहा तेरा भी शुक्रिया, और फकीर आगे चल पड़ा। बाजार का मंजर था, आगे एक फाहशा औरत अपने दोस्त के साथ, अपने यार के साथ सीढ़ियों पर बैठ के मौसम का लुत्फ ले रही थी। ये आजकल जिस तरह हल्की हल्की बूंदाबांदी हो तो जी चाहता ना कि बाहर आए और मंजर देखें, तो सावन की रुत लगी हुई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, तो सीढ़ियों पर बैठ के वो मौसम का लुत्फ ले रहे थे कि ये फकीर अपनी मौज में बाजार से गुजरा, तो लकड़ी के खड़ाओं थे, कीचड़ उड़ के कभी दाएं गिरता था, कभी बाएं गिरता था, एक छींटा उड़ा और उस औरत के लिबास में जा गिरा। उसके पास उसका बैठा हुआ जो यार था उसे बड़ा गुस्सा आया, उठा और आके फकीर के मुंह पे थप्पड़ मारा, फकीर बने फिरते हो, चलने की तमीज भी नहीं है, कीमती लिबास आया कर दिया। फकीर ने आसमान की तरफ देखा और हंस के कहा मालिक तू भी बड़ा बेनियाज है, कहीं से दूध पिलवाता है, कहीं से थप्पड़ मरवाता है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी कशफुल माजूब में लिखते हैं, फकीर उतनी देर तक फकीर नहीं बनता जब तक खुदा की रजा पे राजी नहीं हो जाता। बुलिया लोकी तेनू काफिर काफिर आखण तू आहो आहो आख, जब तक ये कैफियत नहीं हो जाती फकीर फकीर नहीं बनता। कहा मालिक तेरी भी अजीब शान है, कहीं से दूध पिलवाता है, कहीं से थप्पड़ मरवाता है। ये कह के फकीर आगे चल पड़ा। वो औरत छत पे जाने लगी तो पांव फिसला सीढ़ी से, तो सर के बल गिरी, चोट कोई ऐसी आई कि मौके पे फौत हो गई। शोर मच गया कि फकीर ने कोई बददुआ दी थी आसमान से मुंह करके, तो ये कीमती जान चली गई। फकीर अभी बाजार के दूसरे कोने तक नहीं पहुंचने पाए थे कि पकड़ लिए गए। लोगों ने कहा फकीर बने फिरते हो, हौसला भी नहीं रखते हो, क्या हुआ मियां? कहा तुमने बददुआ दी और औरत की जान गई। कहा बल्ला मैंने तो कोई बददुआ दी थी। कहा नहीं, तेरी बददुआ का किया धरा है। लोगों ने जो है वो जिद की कि तूने कोई बददुआ दी थी तब ऐसा हुआ। जब लोगों ने जिद की ना, उसने कहा अगर सच्ची बात पूछते हो ना तो मैंने बददुआ कोई नहीं दी, ये असल में यारों यारों की लड़ाई है। कहा वो क्या? कहा जब मैं गुजर रहा था तो मेरे पांव से चींटा उड़ा, उस औरत के लिबास पे पड़ा, तो उसके यार को गुस्सा आया, उसने मुझे मारा, फिर मेरे यार को भी गुस्सा आ गया। तो कहा रुब्बा अश आसा अगबारा मदफूम बिल अबवाब लो अक्सम अल्लाहे ला अबर्रा। औलाद की तरबियत हमारे जुम्मे लाजिम है और उस तरबियत का बेहतरीन जरिया हमारी अपनी तरबियत है। औलादें हमारी गुफ्तगू को थोड़ा, हमारे अमल को ज्यादा कबूल करती हैं। आज लोग हमारे पास आते हैं, जी हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। चलो हम नहीं पढ़ते, ये तो पढ़े। तो मैं कहता हूं ये क्यों पढ़े? जब तुम मुसल्ला बिछाओगे तो ये भी बिछाएगा। तो हमने अपने अमल से अपनी औलाद को जो है वो सीधा करना है और उनको दुरुस्त रास्ते पे लाना है। बिलखसूस बच्चे जब छोटे होते हैं उस वक्त वो माँ बाप की बात को गौर से सुनते हैं, उन्हें माँ बाप से बहुत ज्यादा मोहताजी होती है, जरूरतमंद होते हैं और माँ बाप की आदत को कॉपी करते हैं। और अमूमन हम बच्चों को उस उम्र में तवज्जो नहीं देते। 4 साल से लेकर के 8-9 साल तक की उम्र का बच्चा इंतहाई तवज्जो का मुस्तहिक है कि माँ भी तवज्जो दे, बाप भी तवज्जो दे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मानूस होने लगता है अपने दोस्तों से,
और बिलखसूस 12-13 साल के बाद वो मानूस हो जाता है अपने दोस्तों से। फिर उसने जो सीखना है वो दोस्तों से सीखता है। अगर दोस्त अच्छे होंगे वो अच्छाइयां सीख जाएगा, अगर दोस्त बुरे होंगे तो वो बुराइयां सीख जाएगा। उस वक्त हम परेशान होते हैं कि हमारी औलाद हमारे पास बैठती नहीं है, असल उसके अब बैठने की उम्र नहीं रही, क्योंकि वो तुम्हारे हम उम्र नहीं है कि तुम्हारे साथ बैठे, और अब वो बच्चे भी नहीं रहे, तो वो अपनी हम उम्र नस्ल को तलाश करेंगे। उस वक्त हम अगर औलाद को खींचेंगे तो वो हमारे पास नहीं आएगी। वक्त जो था वो हमने जाया कर दिया, लेकिन हमें फिर भी इस दौर में औलाद से गाफिल नहीं होना चाहिए। हमें एक तो कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे लोगों की दोस्ती उन बच्चों के साथ जो है वो पैदा करने की कोशिश करें। अल मरु अला दीन खलील ही फल यंजुर अहदुकुम मन युखालल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शख्स अपने दोस्त के दीन पे होता है, तो जब वो दोस्ती लगाने लगे तो देखे कि वो दोस्ती किससे लगा रहा है। तो जब ये उम्र बच्चों की पहुंच जाए तो उस वक्त ये ख्याल किया जाए। और हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि 15 साल से लेकर के 20 साल तक की उम्र इंतहाई अहम उम्र है, और इस उम्र में ही नजरियात बनते हैं और ख्यालात पुख्ता होते हैं। तो जिसने इस उम्र को संभाल लिया उसने अपनी जिंदगी संवार ली, और जिसकी ये उम्र बिगड़ गई उसका सब कुछ बिगड़ गया। इस वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक 15 से 20 साल तक की इस उम्र को दोस्त भी नहीं इतना बिगाड़ सकते, मुआशरा भी इतना नहीं बिगाड़ सकता। इस उम्र को इस वक्त सबसे ज्यादा जो चीज बिगाड़ रही है वो हमारा सोशल मीडिया है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और ये मोबाइल जो हर बच्चे के हाथ में आ गया। तो कम से कम 15 साल से लेकर 20 साल तक की उम्र के बच्चों को आप मोबाइल लेकर ना दें, और इंतहाई जरूरत पर उनको इस्तेमाल करने की इजाजत दें। बाकी उनको इस उम्र के अंदर अगर आपने इजाजत फराहम कर दी और वो आपके कहे में ना रहे तो ये ऐसी बर्बादी है, ऐसी तबाही है कि जिसका इजाला बाद में बहुत मुश्किल मुमकिन होगा। इसलिए इस वक्त सबसे ज्यादा हमें जो चीज नुकसान पहुंचा रही है, हमारी मुआशरत को जो चीज खोखला कर रही है, वो ये चीज है। ये मैं कल की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इंडिया की, कि इंडिया का जो मुआशरा है उसमें जो नौजवान है वो बिल्कुल इस मीडिया की वजह से बर्बाद हो गए, और पाकिस्तान में भी उसके असरात जो है वो बहुत सारे हैं। लेकिन यहां अब भी कोई शर्मो हया मौजूद है, लेकिन अगर हमने अपनी नस्ल के आगे बंद ना बांधा तो ये मीडिया मगरब की जानिब से हमारी मुआशरतों को तबाह करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारी नस्ल बड़ी तेजी के साथ जो है इसका शिकार हो रही है, और घर लुट रहे हैं, शर्मो हया वो जो है वो उसका जनाजा निकल रहा है। तो इस हवाले से वालदैन को खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है, फिर हाथ मलेंगे तो फिर जो है वो उसका कोई इलाज नहीं होगा। कहा है वो हमें मिल के रहे। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं ये कभी नहीं होता कि मुकद्दर का लिखा ना मिले, हमारे ऊपर सिर्फ कोशिश करना है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि एक बंदा जा रहा था जंगल में, तो उसने देखा कि एक लोमड़ी है जिसके पांव भी कटे हैं, हाथ भी कटे हुए। तो उसने कहा मालिक तू इसको कैसे रिज़्क देता होगा। तो वो एक दरख्त पे चढ़ के बैठ गया, एक शेर आया उसने शिकार किया और कुछ खाया और बाकी पस खुर्दा छोड़ के चला गया। ये रेंगती हुई आगे बढ़ी और वो जो बचा खचा था उसने वो खा लिया। तो इसका बड़ा यकीन कामिल हो गया, इसने कहा कि मालिक तू कितना करीम है, इसको भी रिज़्क देता है। एक गार में जाके बैठ गया, जब वो बेदस्तो पा लोमड़ी को रिज़्क देता है मैं तो फिर इंसान। एक पहर गुजरा, दो पहर गुजरे, तो हातिफ से आवाज आई मेरे बंदे मैं तुझे भी दूंगा लेकिन शेर बन लोमड़ी न बन, शेर बन लोमड़ी न बन, कि खुद भी खा और औरों को भी खिला। तो किस्मत का है जो मिल के रहता है, अब कोई शेर बन के ले ले या लोमड़ी बन के ले ले, हराम जरिया इख्तियार कर ले या हलाल जरिया इख्तियार कर ले, अब ये हमें उसने इख्तियार दिया है। फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमाता है कि जो मेरा हो जाए फिर मैं सुथरी जिंदगी दे देता हूं, मैं पाकीजा जिंदगी दे देता हूं, मैं नूर